भाई स्पिनी वाले भाई आ चुके हैं साइकिल पे। अगर ये गोल गोल बिंदी है ना सर, अगर पूरे स्ट्रक्चर में है तो ठीक है और जी लेगा। कर रहे हो टायर चेक कर रहे हो? अच्छा टायर भी कैसे पता चले? ये बता रहा प्यार से भाई, 70-80 से ऊपर चलाई ना गाड़ी मैंने, और अपनी गाड़ी को रेटिंग कौन सी मिली है वो बताता हूँ मैं अभी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। एक और नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और भाई मौसम बिगड़ रहा है, देखो यहाँ मौसम बिगड़ रहा है, इसका मतलब है कि पहाड़ों पे स्नो होने के चांस हो सकते हैं आजकल में। और न्यू ईयर में तो खैर हमेशा पड़ती है ही, वेदर फोरकास्ट दिखा नहीं रहा था। बाकी देखो अगर मौसम चेंज हो, भाई मौसम का कुछ नहीं पता, कभी भी चेंज हो जाता है। बाकी यहाँ अपने यहाँ पलवल में तो लग रहा है कि मौसम चेंज हो रहा है। भाई हम जा रहे हैं अपनी स्कॉर्पियो को लेके, आज इसके हाथ पीले करवाने की प्रक्रिया चालू कर देंगे आज से। तो कहाँ जा रहे हैं वो तो आपको व्लॉग में आगे ही पता चलेगा। ओहो घड़ी बुलाया भाई घर पे। तो अभी टाइम हो रहा है गाइस 2:50, तो अभी अपने को 3:30 एक भाई से मिलना है और जाके दिखाते हैं कहाँ कैसे क्या रेट लगेंगे गाड़ी के, पता करेंगे, बात करके आपको बताएंगे। बाकी मैं हरिकृष्णा ढाबा पे अभी आ चुका हूँ गाइस, यहाँ पे वेट कर लेते हैं हमारे समीम द बिग गन्स, वो आएगा यहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी करेगा यहाँ पे और हम दोनों जाएंगे भाई सीधा फरीदाबाद के लिए। कुछ भाइयों के यार कमेंट आ रहे थे अपनी वीडियो पे ना कि यार ये वाली गाड़ी मत निकालो, भाई ये गाड़ी जाएगी तभी नहीं आएगी, और इस गाड़ी को अब 3 साल भी हो चुके हैं तो इसकी मैं केयर भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं थार ज्यादा चलाता हूँ। स्कॉर्पियो ये वाली जाएगी तो देखो कौन सी वाली आएगी, वो तो आपको आगे पता चल जाएगी। बाकी जो मैं सोच रहा हूँ अगर वही आ जाए तो बेस्ट हो जाएगा काम, और प्लानिंग 4x4 की है, 4x2 आएगी या 4x4 आएगी वो बाद में पता चल जाएगी आपको। हम सीधा जा रहे हैं भाई फरीदाबाद, और spinny.com के थ्रू मैंने अभी गाड़ी को इवेल्युएशन के लिए लगाया है। अभी जाके देखेगा वो भाई क्या क्या इंस्पेक्शन होती है, कैसे कैसे होती है, अपनी गाड़ी सेल करना चाहता है तो उसको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कैसे होता है। एक एप्लीकेशन है spinny.com, उस पर जाके अपनी गाड़ी की डिटेल्स डाल दो, RC डाल दो, इंश्योरेंस कॉपी डाल दो, तो आपको जल्दी से कॉल आ जाती है। मतलब विद इन 1 or 2 मिनट्स मेरे को कॉल आ गई थी कि आपकी इवेल्युएशन करनी है गाड़ी की, तो अब देखो क्या इवेल्युएशन लगेगी। बाकी गाड़ी की कंडीशन बहुत बढ़िया है, कभी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। आप रेगुलर हमारी वीडियोस देख रहे हो भाई, 2 साल से तो मैं यूट्यूब भी कर रहा हूँ पाठक व्लॉग्स पे, 3 साल इस गाड़ी को हुए ही है। नवम्बर 2019 में परचेज करी थी और चली है भाई ये अभी 49,874 किलोमीटर भी गाड़ी चली है। बाकी सारी सर्विस करवाई है ऑन टाइम, और महिंद्रा में आपको सारा रिकॉर्ड भी मिल जाएगा। इंश्योरेंस है, अभी इंश्योरेंस करवाया, थर्ड पार्टी भी है, फर्स्ट ओनर भी है, दोनों इंश्योरेंस है अपने कंप्लीट 1 साल के लिए, अभी करवाए हैं रिसेंटली मैंने अपडेट, और सब कुछ है। तो देखते हैं अब कितनी वैल्यू लगेगी, अगर समझ आएगा कि ढंग की वैल्यू लग रही है तो वहाँ पे देंगे, अदरवाइज वैसे तो कंपनीज यार कम ही रेट लगाती है तो उससे थोड़ा सा ना आइडिया मिल जाएगा कि इससे कितना ऊपर अपने को मांगना है, तो मेनली यही रीजन है। बाकी देखते हैं जाके वो कैसे कैसे इंस्पेक्शन करेंगे क्या करते हैं और फिर बताते हैं आपको भी। बाकी चलते हैं फरीदाबाद भी, वो आते हैं भाई, बहुत दिन हो गया, मौसम थोड़ा सा बढ़िया हो चुका है तो इसलिए भी जाने का मन कर रहा है। यहाँ से फरीदाबाद दिखा रहा है भाई 29 किलोमीटर्स, ये दिखा रहा है आपको, ये देखो दिख रहा है 29, और दिल्ली दिखा रहा है 56 किलोमीटर। एक चीज मेरे को समझ नहीं आ रहा है, अपने पीछे ब्लैक स्कॉर्पियो खड़ी होगी किसी की, तो क्लासिक वाली लग रही है भाई मेरे को, अपना नोन नहीं है। बाकी एक बार समीम आ जाए फिर चलते हैं। और भाई एक चीज मेरे को समझ नहीं आई यार स्पिनी वालों की ना, कि पलवल में इंस्पेक्शन करने नहीं आते ये, और मेरे को फरीदाबाद का एड्रेस डालना पड़ा है तो फरीदाबाद में जाके अपना इंस्पेक्शन होगा, बट ये गलत चीज है। बट लेने के लिए आ जाते हैं पलवल में, जैसे अपना एक दोस्त है राई जिसने अभी स्कॉर्पियो ली थी, उसने अपनी ब्रेजा उसने सेल करी थी और स्पिनी के थ्रू ही उसको अच्छा रेट मिल गया था। बाकी उसकी गाड़ी की वैल्यूएशन भी फरीदाबाद में हुई और रुके गए यहाँ से, डिलीवरी यहाँ से लेके चले गए। गलत चीज लगी मेरे को कि यार पलवल कितनी दूर है यार फरीदाबाद से, कम से कम तुम वैल्यूएशन करने के लिए तो आओ, इंस्पेक्शन करने के लिए आओ, हो सकता है कि उनका एक्सपीरियंस सही ना रहा हो और नई कंपनी भी है तो मे भी पता नहीं क्या दिक्कत है। बाकी ठीक है हम भी करवाते हैं और बताते हैं कैसा एक्सपीरियंस अपना रहेगा spinny.com के साथ। उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं गाड़ी सेल करने के ना, एक फेसबुक पे भी आप OLX आता है OLX पे भी कर सकते हो, फेसबुक पे भी आप कर सकते हो, मैं सब जगह लगा दूंगा अभी इस गाड़ी की एड जहां भी मेरे को दिखेगा ना, मेरे को अभी ये निकालनी है विद इन 1 or 2 मंथ्स। तो गाइस हम आ चुके हैं टोल टैक्स पर, यहाँ हमारे साथ समीम द बिग गन्स, क्या हाल चाल है भाई, नीट सीट ही आया आज लगा ले। मैंने एक दिन तेरी वीडियो बना दी जिम की, मैंने कस्टमर इनवाइट कर दिया उनको, कोई भी आ जा सस्ते रेट में फुल डिस्काउंट है, और पर्सनल ट्रेनिंग पे जाएगा 5 बजे, तो इसलिए हमें 5 बजे से पहले पहुंचना भाई, 3:11 हो गए यहाँ से। टोल हम फ्री करवाएंगे ही है, टोल फ्री है हमारा, कोड ना मोबाइल से छिपाना पड़ता है, नंबर कंट्रोल रूम में 91 88। मैडम पैसे मत काट लेना नंबर से, नंबर ऐड है कंट्रोल रूम में, बात कर लो भी सर। निकाल दो कैदी,
काटना मत पैसे, है ना, प्लीज। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। चलो जी भाई, स्पिनी वाले भाई आ चुके हैं साइकिल पे। भाई अपनी गाड़ी का इंस्पेक्शन हो चुका है। किस किस कर क्या रेट दिया स्पिनी वाले भाई ने? स्पिनी वाले भाई ये साइकिल पे आए हैं यार, इंतजार कर रहे हैं स्पिनी वाले भाई का। पता नहीं कितनी देर में आएगा यार, लोकेशन बता दी उसने, यहाँ आ जाओ, पहुंच गए, पर वो नहीं पहुंचा। वैसे इनकी अगर वेबसाइट पे जाकर देखो तो ये कहते हैं डोर स्टेप इवैल्यूएशन। हम इनके डोर स्टेप पे पहुंच गए पर भाई ये नहीं आए अब तक। ये तो ना इको वाला वाले भाई आ चुके हैं, ये देखो सामने। मैंने 3x में कर दी, मुझे लगी गाड़ी नजदीक आ गई है। ये सामने आपको बाइक पे दिखाई दे रहे हैं भाई, ठीक है, इनके पीछे पीछे जा रहे हैं हम लोकेशन पे। फर्स्ट ओनर, हाँ फर्स्ट ओनर, नो क्लेम, ऑल सर्विस रिकॉर्ड। अगर ये गोल गोल बिंदी है ना सर, अगर पूरे स्ट्रक्चर में है तो ठीक है, ओरिजिनल गाड़ी। अच्छा, अगर ये नहीं है तो कहीं तेरे रिपेयर है। अच्छा, मतलब कहीं टूट टाट हुई है। ये रोबोटिक पंच है जो जॉइंट करते हैं ना, रोबोटिंग। अच्छा, तो इनसे ये पता चल जाएगा कहीं एक्सीडेंटल तो नहीं है गाड़ी, है ना भाई? कहीं एक्सीडेंटल नहीं है गाड़ी, बिल्कुल परफेक्ट है मेरी तो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कैसी भी सब जगह तो ताक देख ले, कहीं भी देख लो जी, ये चीज है पूरी गाड़ी में मिलेंगे जी। अच्छा, ये है मतलब अगर ये ये निशान नहीं मिले तो इसका मतलब एक्सीडेंटल है। जरूरी नहीं है कि हर किसी में कहीं में गोल मिले, कहीं में चौकोर मिल सकते हैं, और जो रिपेयर होगी उसमें मिलेंगे ना ये, ना जी है ना, रिपेयर होगी ना ये नहीं मिलेंगे, वो रोबोट से लगते होंगे ना निशान, पहचानी लोगे जी। हाँ हाँ हाँ, इंजन भी सब खोल दिया भाई, गाड़ी तो बिल्कुल यार, कहीं कोई मेरा क्लेम ही ना आज तक गाड़ी पे। चलाई बहुत प्यार से भाई, 70-80 से ऊपर चलाई ना गाड़ी मैंने। एक एक कोने चेक कर लियो, है ना, कहीं से भी कोई एक्सीडेंटल ना मिल जाए। हाँ जी, वही चीज है, अगर कंप्लेन गई तो हमारी दिक्कत है, अगर कस्टमर वैल्यू सही ना आई तो भी तो दिक्कत है ना जी। हमने रिपोर्ट सही ना भेजी तो सारे मतलब जितने भी हैं वहाँ रोबोटिक के निशान चेक करो बस, है ना। अभी तक तो कुछ मिला नहीं है गाड़ी में, फिट एंड फाइन नहीं मिलेगी भाई अपनी गाड़ी। तो क्या चेक कर रहे हो? टायर चेक कर रहा हूँ सर। अच्छा, टायर की कैसे पता चले? ये बता रहा है। कितना बता रहा है? 1.5। उससे क्या स्टेप नहीं वाला? अपने 4 टायर चेंज करवाए, टायर वहाँ फिट करवा लिया, स्टेप नहीं वाला, हाँ वो लगा दिया। इंस्पेक्शन हो चुका है, डन है भाई, हमारी गाड़ी चला के देख रहा है बस, ये हमारी गाड़ी ले ना जाए समीम। समीम ने कहानी सुनाई कि कैसे ही गाड़ी चेक करने आया था, गाड़ी उठा के ले गया वो, देखो उल्टी तो आएगी भाई, कह तो रहा है कि यहीं गोल चक्कर मार के देखूं भाई। गाड़ी में भाई कोई कमी नहीं मिली, सब चीज चेक करके देख ली इसने, मतलब कहीं भी ऐसी चीज नहीं मिली जो रिपेयर हुई हो गाड़ी में। हाँ, कहीं भगा के भी ले जाए पब्लिक बता देगी भाई तुम्हारी गाड़ी तो वहां घूम रही है। गाड़ी देखी चलती हुई कितनी भयंकर लगे, देखियो ये देख, बहुत आ रही है लोड पे भी, है ना, ये देख भाई क्वालिटी लग रही है, यहाँ से बाहर ना ले जाए कहीं। तगड़ी लग रही है यार, गुरमत भी गया। जब गाड़ी चलते हुए देखूं ना, मेरे खुद का मन भी यही करे यार, छोड़ मत बेक है, तू कुछ चला हुआ है अब। हाँ, दिख रही है बाहर से। हाँ बाहर से दिख रही है, बाहर से कोई और चला रहा भाई, लग बढ़िया रही है ना बाहर से जब मैं। तो भाई अपनी गाड़ी का इंस्पेक्शन हो चुका है, डन, घर जा रहे हैं। और अपनी गाड़ी को रेटिंग कौन सी मिली है वो बताता हूँ मैं अभी आपको, एक बार सीट बेल्ट लगा लूँ। तो भाई हमारी गाड़ी की रेटिंग मिली है Q1, मतलब Q1, Q2, Q3 कैटेगरी थी, उसमें से Q1 मिली है। भाई ने यहाँ से वैल्यूएशन कर दिया, डन, कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी में कोई कमी नहीं मिली, बिल्कुल परफेक्ट मिली, मिलनी थी भाई, मैंने गाड़ी की केयर बहुत करी है। बट अब आगे जाके हमारी डिस्कशन होगा भाई इनकी कॉस्टिंग पे, अभी ये जो हमें कॉस्टिंग देंगे ना उस पर अब डिस्कशन चालू होगा, तो अपने पास कॉल आएगी, ये अपना आगे स्टेटस अपडेट कर देगा भाई, तो देखते हैं फिर उसके बाद पता चलेगी कितनी वैल्यू मिल रही है। अगर ढंग की मिलेगी तो ठीक है, यहाँ पे दे देंगे, अदरवाइज भाई मार्केट में कहीं देंगे, OLX वगैरह पे भी डाल दूंगा, वहाँ भी आपको पता चल जाएगी। बाकी गाड़ी की एक एक चीज़ चेक कर लेते भाई, टायर से लेके कहीं गाड़ी ठुकी तो नहीं है, आपके ए पिलर, बी पिलर, सी पिलर सब चीज़ चेक कर लेते हैं भाई, पूरा इंजन खोल के एवरीथिंग। उसमें टाइम लिया इन्होंने, आधा घंटे के आसपास ले लिया, और गाड़ी फिर चला के भी देखी, बाकी कोई दिक्कत मिलनी नहीं थी, वो तो ऑब्वियसली बात है, क्योंकि भाई गाड़ी मतलब मेरे हाथ में रही, मेरे या दीपक के हाथ में रही है। आज तो दूध बालूशाही मारी गई भाई जमीन की, बचागा तो दो सौ। भाई पहलवान ढाबा मेरे को लगता है बंद हो चुका है, यहीं पे था, आधे से दूर है तो। मुश्किल है यार, समीम यहीं पे तो था वो पहले, देखा और गाड़ी खड़ी है, वही तो है, है? गा लेंगे हम पहलवान ढाबे को भाई, बहुत ज्यादा फेमस है, अगर आप कभी भी पलवल बल्लभगढ़ साइड आओ ना, पहलवान ढाबे पे जरूर आओ,
यहाँ पे आके क्या क्या चीज फेमस है इसकी बताइए बता। ऐसा दूध खत्म नहीं होता है, दूध फ्रेश रहता है। अच्छा निपटा देंगे आज हमें, ऑन ऑर्डर है एवरीथिंग। गाजर का लुआ भी है यहाँ तो समीम कर दे काम। बालूशाही ले यार, ये लग रही है ना बालूशाही, बालूशाही ले ले और दूध ले ले, गुलाब जामुन ले ले और ऑर्डर कर दे, क्या चीज चाहिए जल्दी बता दे। एक काम करो, दो दूध करवा दो गरम और बालूशाही करवा दो, मंगवा लो मंगवा लो। बालूशाही आ गई और सबसे पहले उठा ली समीम ने, टेस्ट करके बता कैसी है भाई। पहला तरी मिलती है भाई यहाँ बालूशाही। और तूने क्या क्या चीज ऑर्डर कर दी, गुलाब जामुन और दूध? गुलाब जामुन दूध है, गुलाब जामुन और समीम ने दोनों अपने में डाल दी है। क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? अभी आ चुका अपना, इस तरीके से गरम दूध मिल जाता है, गरम ठंडा मिलता होगा इस टाइम पे ना, गरम है। चीयर्स भाई। भाई डाइट आई है बस, ली समोसा मंगवा लिया, यहाँ गाजर का लुआ, बालूशाही खत्म, गुलाब जामुन खत्म, दूध खत्म। भाई शुगर लेवल ज्यादा हो गया। भाई जिम वाला होता है ऐसा हो तुम्हारे साथ जो तुम्हारी डाइट खराब कर दे। भाई पुलिस डिपार्टमेंट आ चुका है यहाँ पर, देखो सामने आपको दिखाई दे रहा है ना, हम घर जा रहे हैं। ठीक है, खाना पीना डन हो चुका है अपना, और समीम की जो पर्सनलिटी पीटी रहेगी, ज्यादा डाइट होगी यार, डाइट ज्यादा होगी गाइस। तो अब हम घर जा रहे हैं भाई, और इस वीडियो को यही पे एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कर देना, ज्यादा ज्यादा शेयर कर देना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लेना भाई, और गाड़ी का जैसे भी अपडेट रहेगा वो आपको मिलता रहेगा रेगुलर ब्लॉग्स में। और ये एक क्विक अपडेट आपको देने के लिए मैंने एक वीडियो बना दी, अपनी लाइफ में होता रहेगा वो आपको दिखाते रहेंगे ऐसे ही। ठीक है, तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो का यही पेन, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।